राम राम जी, राधे कृष्णा जी, कैसे हो आप सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो हमारे हिमाचल से हेरी नसीस मॉर्निंग 10 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इस तरह का पैटर्न सिखाइए। तो साथ में मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, हमारे यूट्यूब चैनल में इससे मिलते जुलते पैटर्न कई आएंगे और टेलीग्राम एक्स क्लासेस में भी। मेरे पास इसके पैटर्न जो इस तरह के जो ग्राफ्स रहते हैं ना, ये सिंपल निटिंग मशीन वाली चीज़ के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो मेरे पास पैटर्न 500 से भी ज़्यादा है। तो इसमें एक और फ़ायदा ये रहता है, बेनिफिट, कि आपके जो वेस्ट धागे वो यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए आज हम ना स्टेप बाय स्टेप इसे बना लेते हैं। बहुत इजी सा पैटर्न है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नीडल्स की गणना करनी है, गिनती करनी है और ग्राफ मनचाहा लेना है। आप छोटा, कम, ज़्यादा ले सकते हो। मैं इसमें क्लियर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर आपको, देखिए चकूर में जो आपको डिब्बी दिख रही है ना, इसमें मैं फंदे बता रही हूँ। तो आप चाहो तो कम फंदे के भी ले सकते हैं, ज़्यादा के भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 26 यानी 26 का ग्राफ ले रही हूँ सेंटर को देखते हुए। प्लान प्लान नीट करते हुए जाना है। बहुत ही इजी सा पैटर्न है। और दूसरी खासियत ये है इसकी, ये भाई एकदम से ना पल्ला हमारा रेडी हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है इसमें, ठीक है, इजी वे में। चलिए मेरे साथ आज सीख लेते हैं ब्यूटीफुल पैटर्न को। तो करना क्या है मैंने, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखिए राइट और लेफ्ट दोनों साइड से नीडल्स हमने जो आगे की ओर करनी है। और ये यहाँ पर जो सिंपल नीट वाली सीस होगी ना, वो कैरिज के नोब को बैक साइड करेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इनको निकाल देते हैं और मैंने जितने आपको फंदे बोले ना सेंटर में उतने रख लीजिए। तो मैं तो यहाँ पर जो है 26 ही रखूँगी, ठीक है। तो चलिए अनेधे धागा लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि रो आपने कितनी लेनी है। स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पर 36 रो ले लिए, देखिए है ना। तो अब करना क्या है भाई, अब हमने इसे भी आगे की ओर कर लेना है। बहुत इजी से स्टेप बता रही हूँ मैं आपको, है ना। अब धागा चेंज करना है हमने, है ना। और अब देखिए आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली साइड को बनाना चाहते हैं। फिर दोबारा से हमने फिर 26 फंदों को जो है बै करते हुए जाना है, फिर इसको निट करना है। फिर आपने करना क्या है, सेम रो लेनी है आपने, ताकि आपको ना स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरह से प्लान प्लान ही निट करना है। देखिए 26 यहाँ पर, 26 यहाँ, 26 यहाँ, ठीक है, इस तरह से करते हुए जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर सारे देखिए इक्वल्स में आ गए हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप साथ साथ स्टिच कर लीजिए या बाद में। तो चलिए अब हम इन्हें आगे की ओर कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, अब हमने जहाँ पर हमारे यहाँ 26 थे ना, सभी में सेम है, ठीक है। अब हमने जो इनका हाफ हाफ कर लेना है, यानी कि 13 फंदे मेरे यहाँ के, 13 मेरे यहाँ के, यानी राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसे किस तरह से नीट करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक ग्राफ शेयर कर रही हूँ ना, जैसे आपको तो सभी आपने उसी तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। ये देखिए एक बार ये हमारा फंदा राइट हैंड साइड से निकलेगा, एक बारी हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह से हमने क्या करना है, सभी फंदों को वन बाय वन करके बाहर की ओर फ्रंट साइड में जाना है। तो चलिए इस तरह से कर लीजिए। हम इस ब्यूटीफुल पैटर्न को बनाएंगे तो याद रखिए, यहाँ पर ट्रायंगल आ रहा है हमारा ना, तब हमारे दोनों साइड में, यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे 13 फंदे बचेंगे। तो हम तो ले रहे हैं ग्राफ यहाँ पर 26 का, ठीक है। अब जब यहाँ पर हमारा यहाँ 13 आएगा, तो हमने इसे क्या करना है, देख लीजिए इसे हाफ नीट करना है हमने। ये नहीं कि आपने सीधे सीधे रखना, तब ये पैटर्न आपका नहीं बनकर रेडी होगा, है ना। तो आपने जस्ट इसे इस तरह से, जिस तरह से मैं ये वाली साइड कर रही हूँ, उसी तरह से आपने
दूसरी साइड में भी कर लेना है, एक और मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से ब्यूटीफुल पैटर्न को हम बना लेते हैं। तो आ जाइए, अब हम जो है इसको फिनिश करने के बाद थर्ड स्टेप करेंगे। और साथ में क्लियर कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर टू कलर यूज़ कर रही हूँ ना, आप चाहो तो 3 से 5 कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पैटर्न दिखने के लिए जो है 3 कलर से 4 कलर से डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्लियर कर लेती हूँ। क्या करना है, यहाँ मैंने आपको बता दिया था ना सिंगल वे में 13 फंदे किस तरह से करने हैं। अब सेंटर के 2 फंदे ले लेने हैं भाई हमने, है ना। अब हमने जब तक हमारे ग्राफ में 26 फंदे ना आ जाए तो हमने इस तरह से नेट करते हुए जाना है। ठीक है, जो फंदे हमने निकाले हैं ना उन्हीं फंदों को हमने जो है इस तरह से करते हुए जाना, सभी को इसी तरह से करते हुए जाएंगे हम। इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल पैटर्न। और फिर हमने इसे आगे की ओर कर लेना है। ठीक है, देन जैसे मैंने यहाँ वाला किया था ना, तो वैसे ही आपने क्या करना है, 2 फंदे बैक में करने हैं। फिर दोबारा से इक्वल्स में लाने के लिए 26 फंदे मैंने जो है बना लेने हैं। ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट का ध्यान रखना है आपने। स्ट्रेंस यहाँ पर देखिए ट्रायंगल शेप आ गई है, और साथ में मैं क्लियर कर रही हूँ, आप इस पैटर्न को ना 1 से 10 प्रकार के भी बना सकते हो, 10 टाइप्स के, तो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो डिब्बी के ऊपर डिब्बी ले जाइए, पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ देखिए, अब मैंने दोबारा से यहाँ पर इस ट्रायंगल के राइट एंड लेफ्ट एंड साइड के दोबारा से जो है 26 फंदों को मैंने जो प्लान नीट कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कर लिया है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से फंदे रख लिए हैं, और जो बाकी यहाँ पर ये जो फंदे रहेंगे ना 13 आपके, ये हमारे प्लान नीट होंगे अनदर कलर से। तो देखिए 2 कलर है, रिपीट कर रही हूँ। अब जब स्टिच गए ख़त्म हो जाएगा 36 रो के बाद, तो 36 यहाँ पर ऑरेंज की प्लान आएगी। तो पहले मैं इसे कर लेती हूँ ना, फिर मैं आपको दिखा लेती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सभी पार्ट्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। ठीक है, तो साथ में क्लियर कर रही हूँ कि इसमें अगर आप फुल बाजू का बनाना चाहो तो फुल बाजू का भी बहुत बेस्ट बनकर रेडी होगा। इस तरह से आप जो है ब्यूटीफुल पैटर्न को रेडी कर सकते हो, बस आपने रिपीट करते हुए जाना है। ठीक है, 4 कोने के बाद स्क्वायर के बाद जो हमारे ट्रायंगल, रिपीट करते जाइए। तो चलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और यदि आप मेरी मेजरमेंट वाली क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। क्योंकि देखो मैक्सिमम सिस बोलती है नीट करना तो आता है, मेजरमेंट में ये रहता है कि उनका परफेक्ट नाप बनकर रेडी होता है, नहीं तो मैक्सिमम बोलती है कि हमारी बाजुएँ जो है कम हो गई है, लेंथ छोटी बड़ी हो गई है, तो इसके लिए क्या करें भाई, आपने क्लास ज्वाइन करनी है।